नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, यदि हर बुधवार आप इस उपाय को करते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इससे आपके बुध मजबूत बनते हैं। इस उपाय को करने से आवक के जरिए आपके जबरदस्त बनेंगे। आवक आप अनेकों तरीके से कर पाएंगे। आवक के स्तोत्र एक से ज्यादा बनेंगे। दूसरा, आपकी बुद्धि सही समय पर सही निर्णय लेगी। यदि आपके शरीर में कोई भी चर्म रोग है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यदि आप घर बैठे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, इस उपाय को आप बड़े शिद्दत से करना शुरू करें। नौकरी मिलेगी, घर का माहौल बहुत सुंदर होने लग जाएगा, लगने लग जाएगा। हर बुधवार छोटा सा आपको एक काम करना है। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ होकर के पूजा स्थान में जो भी आपकी नित्य पूजा है उसे पहले आप संपूर्ण कर ले। उसके बाद में आपको चावल के दो दाने लेने हैं। चावल के दोनों दाने आपको ऐसे लेने हैं जो कटे फटे ना हो। और अगर चावल के बदले आप धान ले लें जिसमें चावल का कवर चढ़ा हुआ होता है, यदि दो धान ले लेते हैं या फिर दो चावल के दाने, और आपको सात खड़ी मूंग ले लेनी है। मूंग भी कैसी लेनी है? जो बिल्कुल स्वच्छ हो, मजबूत दाने हो, दाने अंदर से खोखले ना हो, कटे फटे ना हो। ऐसे आपको पांच दाने मूंग के लेने हैं और दो दाने आपको चावल के लेने हैं। मतलब टोटल आपको सात दाने लेने हैं, बराबर। और आपको क्या करना है, पूजा स्थान में किसी भी प्लेट में आपको थोड़ा सा कपूर रख लेना है। कपूर के ऊपर आपको पहले चावल के दोनों दाने लेकर के ओम शोम शोमाय नमः इस मंत्र को आप 11 बार बोले और चावल के दोनों दाने आप कपूर के ऊपर रख दें। इस क्रिया को करने से आपके चंद्र मजबूत बनते हैं, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा उतरती है। उसके बाद में पांच दाने जो आपने मूंग के ले रखे हैं, प्रत्येक दाने पर पांच पांच बार ओम बुम बुद्धाय नमः इतना बोल करके आपको कपूर के ऊपर ये दाने रख देने हैं। चावल और मूंग दोनों ही आप पूजा स्थान में कपूर के ऊपर जब रख देते हैं, तब आपको ओम श्रीम श्रीये नमः माता लक्ष्मी का ये मंत्र बोलकर घी की कुछ बूंदे आपको कपूर पर गिरा देनी है। और उसके बाद ये कपूर आपको पूजा स्थान में रख करके जला देना है। जब कपूर जलने लगता है, आप तमाम जो आपके देवी देवता है उनके ऊपर पांच बार ऐसे घुमा ले, आरती उतारे, और उसके बाद इस जलती हुई लौ को आपको घर की उत्तर दिशा में रख देना है। उत्तर दिशा में रखने के बाद आप इस पर पानी छिड़के और प्रार्थना करें कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे घर में बेरोजगारी है, कि बेरोजगारी हमेशा के लिए दूर हो। आवक के एक से ज्यादा स्तोत्र बने, आवक हमारी मजबूत हो, हमारे रिलेशन मजबूत हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पैसों से जुड़ी हुई, बुद्धि से जुड़ी हुई, नौकरी और धंधे से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप उस समय बोलें। और इस ज्योत को आप उत्तर दिशा में ही रख करके जलने दें। ये क्रिया दोस्तों आपको हर बुधवार करनी है। इस क्रिया को करेंगे, आप देखेंगे आपके चंद्र भी मजबूत बनेंगे और बुध भी मजबूत बनेंगे। बुधवार के दिन मूंग का दान करें और शिवालय में जाकर के
भगवान शिव को एक मुट्ठी मूंग, खड़ी मूंग ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर कंटिन्यू बैठ करके चढ़ाना शुरू कर दे। जब मूंग चढ़ा ले उसके बाद घी की 5 बूंदे गिन करके ओम नमः शिवाय सोहा, ओम नमः शिवाय सोहा ये बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बूंदे घी की चढ़ा देनी है। आप खुद देखेंगे दोस्तों, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा कि लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। करके देखिए, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।